तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से तमाम सैकड़ों की संख्या में जो किसान है लघु सचिवालय की तरफ रुक कर चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके साथी किसान के साथ जो प्रशासन गलत कर रही है उसकी जमीन नीलामी करवाने जा रही है उसको लेकर आज रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में तमाम किसान है और लघु सचिवालय की तरफ ज्ञापन देने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसान का हल्ला बोल और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उनको रोकने के लिए आगे खड़ा है गेट पर। वहीं पर बात की जाए किसानों की, जलाला में हो रही किसान के साथ एक किस तरह से जो कब्जा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज वो सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जमीन हड़पने के लिए कह रही है, ऐसा किसानों का कहना है, जिसके चलते अब किसान ये वो किसान हैं जो जलाला गांव के किसान के साथ गलत नहीं होने देंगे, ऐसा इन किसानों का कहना है। वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जलाला गांव का जो किसान है उसकी ज़मीन को नीलामी कर दी गई है बिना पूछे बिना किसी से बात करे। वहीं पर आज किसान है वो भारी संख्या में एकत्रित जरूर हुए हैं और ज्ञापन देते नज़र आ रहे हैं। ये आप अभी हम ऊपर भी आएंगे, मैंने ये भी इसके साथ लगा लो जी। तो ये उस किसान की फोटो है जिसके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ है। ऐसा किसानों का कहना है कि 11 लाख लोन लिया था, 17 लाख बैंक ने बना दिया था, लेकिन अब 17 लाख के जगह 2.5 एकड़ जो जमीन है उसको बिना पूछे बिना किसी से बात करे नीलाम कर दिया गया है। देख लो लिया निकल का और पार की लड़ाई उड़ कर लो कह हम सारे पीछे जाए बात जाएंगे नहीं और ये पीछे जाएंगे सारे समझा कौन रहा है ये सरकार करवा रही है कौन कर कौन रहा है ये करवा रही सरकार कौन सा बैंक है बैंक कौन सा है इलाहाबाद बैंक का है हम उसके पीछे जाएंगे पीछे और मारे लगा के वो तो बैठ के बारे लाग रहा काबू करने 1 करोड़ का किला 7 लाख में अरे करोड़ का किला 7 लाख में और नुकर उरा दे अमूरी ले हुए 1 करोड़ में इस फैक्ट्री के आगे 2 करोड़ में भी उरी ले हुए गेट आगे का 4 करोड़ में उरी ले हुए दे तो यू सरकार नू को नहीं दे बनने सेटलमेंट क्यों नहीं किया आपने सेटलमेंट भी तो कर सकते थे सेटलमेंट कर रहे थे कुछ नहीं आते ये रहने किसान सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, क्योंकि वो किसान जस्टिस फॉर किसान के जो बैनर है हाथ में लिए सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि एक किसान के साथ प्रशासन अब गलत कर रही है, उसकी जमीन को हड़प रही है, जिसके चलते उसकी जमीन नीलामी करने के लिए जो अधिकारी हैं वो जरूर पहुँचे थे, लेकिन किसानों ने कहीं ना कहीं नीलामी नहीं होने दी और आज किसान कहीं ना कहीं पहुँचे हैं सेक्टर 12 लोक सचिवालय के लिए ज्ञापन देने के लिए। अब पुलिस प्रशासन है और उनका जो रुख है पार्क की तरफ मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल की है। किसानों से हमने और जरूर जाने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की जमीन को लेकर कहीं ना कहीं आज वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं जान देगा नहीं जान देंगे अब वो तो नीलामी करके अब कैसे नहीं जाने देंगे नीलामी हो जाएगी क्या मारी जमीन की नीलामी हो जाएगी क्या मर जाइए बेटे वो तो मारी माँ है उस पता मर मिटना तैयार है अभी रेत दबा दी है लेकिन बोली नहीं उड़ देंगे और ना जान देंगे सारे बन आएंगे हम उस पर मर जाएंगे लाश बिछ देंगे और बिल्कुल मत आएंगे धक्का कर रहे हैं धक्का कादी हम सब धक्का कर रहे हैं हमारे जमींदार साथ बहुत धक्का कर रहे हैं हमने रोका भी है उसे यहाँ कुछ जमीन लेने वाला नहीं है 11 लाख लोन है 17 लाख उसका है और 90 लाख की जमीन है जो 17 लाख में ले रहे हैं ऐसे बेन छापी है कि
ये दुसान चौचाला रही है, भूमि माफी है, इससे कब्जा ऐसे कैसे हो जाएगा कब्जा? कैसे हो जाएगा? 11 से 17 भी बैंक ने बना दिया। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने ना रल के सारा कुछ रल के करा है, बैंक ने और इन वकीलों ने करके, इसका जो वकील है उसने करके, नहीं बोली हुई कुछ नहीं हुआ, नहीं मेरे साइन नहीं रजिस्ट्री की। मेरे लोन लिया था कितने समय से आप नहीं दे रहे थे? 11 लाख लोन था और 17 लाख इन्होंने बुलाया था, उसमें ये सारा करके इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। कितने समय से आप किस्तें नहीं पे कर रहे थे? ये किस्में हम दूध की, मेरी पेमेंट उसमें दूध आता था, गाय का दूध आता था, सारा उसमें पेमेंट मेरी उसमें खाते में जाती थी, पेमेंट सारी वहाँ रेगुलर जा रही थी। ये 2007 में लिया था। 2007 हाँ जी अभी है। हाँ, नीलामी इन्होंने अपने गुपचुप कर ली है, नहीं कोई चौकीदार का, कोई नहीं कुछ, बगैर किसी नोटिस के, बिना नोटिस के। बीमा जो भूमाफिया का काम कर रहा है उसने करनाल में आके जिस प्रकार से ये 2.25 एकड़ देवेंद्र काद्यान, उनका जो रिश्ते में जीजा लगता है, उसने अपने भाई के नाम दीपक काद्यान के नाम ये जमीन करवाई है। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 90 लाख की जमीन है कम से कम, और ये करवाई है 17 लाख रुपये में उसने अपने नाम। ये दुष्यंत चौटाला और उसके सारे रिश्तेदार भी अपना जोर लगा लें, किसी भी प्रकार इस जमीन को हम जाने नहीं देंगे। उस दिन भी नहीं कब्जा होने दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। और ये जो भू माफिया का गैंग बना हुआ है इस प्रदेश में, दुष्यंत चौटाला उसका कर्ता धरता है, उनके शर्म से डूबने की बात आज उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है और उसके रिश्तेदार और वो सारे मिलकर किसानों की जमीन वहां पर कलेक्टर रेट डीसी रेट 25 लाख रुपए किले का और 7.25 लाख रुपये में उसने किला लेने का काम किया। तो ये गुंडागर्दी बदमाशी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। उसके जो रिश्तेदार हैं ये पानीपत से, वो भी कान खोल के सुन ले, यहाँ जमीन में नहीं घुसने देंगे, चाहे जितनी ताकत है तुम भी लगा लेना। अब ये लड़ाई केले ऋषपाल सिंह की नहीं है, ये पूरे सभी किसान वर्ग की है, पूरी किसानी कौम की है। ये जो इनकी गुंडागर्दी है, ये इस प्रकार से जगह जगह जो ऐसी जमीनें हैं उन पर गिद्ध नजर है दुष्यंत चौटाला और उसके रिश्तेदारों की, उसके साथ वालों की। हम ये चीज़ किसानों की जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। उसके लिए मुख्य अब डीसी से भी ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री का नाम, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी हम निवेदन करते हैं भाई, वो अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, और उसके होम डिस्ट्रिक्ट में उसके जिले में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो मुख्यमंत्री को भी इस पे संज्ञान लेकर एक स्पेशल टीम गठित करके इस सारे फ्रॉड की, जो ये फ्रॉड बैंक अधिकारियों ने और रेवेन्यू के अधिकारियों ने और इन सब ने मिलकर जो किया है, ये दुष्यंत चौटाला के रिश्तेदार ने, इन सारों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इनको अंदर करना चाहिए। जिस प्रकार से 11 लाख के लोन के अवज में 90 लाख की जमीन हड़पने का काम किया है, और ये पूरे हरियाणा को सचेत रहने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पैसे बनाने की मशीन बन चुका है, उसको पैसा दिख रहा है उसको और उसके रिश्तेदारों को। ये भी उसके रिश्तेदार जो पानीपत के, ये सोचते हैं आज हम सत्ता में हैं इस हरियाणा को लूट लें, पर किसान लूटने नहीं देगा और ना ही ये जमीन जाने देगा। और जे इन्होंने इनमें हिम्मत है उस जमीन की तरफ ये देख भी लेंगे, कहते कब्जा करेंगे, ये उसकी तरफ देख के भी दिखा दें, और सभी इसमें इकट्ठे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। बगैर किसी नोटिस के जो हाई कोर्ट से वकील आया हुआ था 16 तारीख को परसों, मैंने उसको कहा इस किसान के एक भी नोटिस पे साइन दिखा दे, एक भी जगह फोटो दिखा दे भी तू इसको कोई नोटिस दे के गए हो कुर्की का। इन्होंने ई नीलामी, ई ऑक्शन बोलते हैं, जो ऑनलाइन जमीन की नीलामी होती है उससे ये जमीन ली है, फर्जी नोटिस तैयार किए गए, फर्जी मनियादी कराई गई, किसान को भनक भी नहीं लगी और जमीन अपने नाम करा के कागजी तौर पे सारा काम पक्का कर लिया। और जो ये किसान है ये उसके देवेंद्र काद्यान के पास गए, दुष्यंत के चौटाला के जीजा के पास, उसको ये कहा भाई जे तूने फ्रॉड करके हमारी जमीन ले भी ली है, ये जो तूने 17 लाख रुपए भरे हैं वो ले ले हमारी जमीन छोड़ दे। वो बोला ये नहीं छुटती, और मैं कहता हूँ तू आजा कब्जा लेके दिखा दियो, तू दुष्यंत क्या तू चाहे सारी फौज लगा लियो अपने साथ, बिल्कुल धक्काशाही गुंडागर्दी करने नहीं देंगे, चाहे ये कुछ कर ले ऐसे। ये तो एक मामला हमारे सामने इस वजह से आ गया, हम उस मामले में पहुंच गए। ये पता नहीं कितने वो इस प्रकार की जमीनें ले चुके हैं, बहुत लोग ऐसे हैं बेचारे जिनकी पहुंच नहीं होती, जो बोलते नहीं, कोई इज्जत के मारे चुप रह जाता है, भी सोचता है बेइज्जती होगी अब रोड़ा पाऊंगा। तो ये तो भू माफिया का एक गैंग है, ये पूरे हरियाणा में काम कर रहा है। दुष्यंत चौटाला इसका सरगना है, इसने अपने सारे साथी और अपने रिश्तेदार इस काम पे लगाए हुए हैं, और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। करनाल की क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से तेरी इतनी हिम्मत नहीं है, यहाँ तू कब्जा करवा दे, और ना ही कब्जा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो यहाँ से विधायक हैं,
हमारे इस जिले से हैं, उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए। भाई ये दूसरे जिले पानीपत से आके ये गुंडा तत्व यहाँ के जमीनें खरीदेंगे तो ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी शर्म की बात है और इस प्रकार से कब्जे करेंगे। बिल्कुल, जो बैंक का पैसा है 17 लाख रुपया ब्याज में था, लोन लिया था सिर्फ 11 लाख का, वो किसान पहले दिन से भरने के तैयार है, पर उसके तक तो बैंक के अधिकारी आए नहीं। ये तो चुपचाप सीधी जमीन इस भूमाफिया के नाम की गई है। अब भी ये लोग उसके पास भी गए, दुष्यंत चौटाला के जीजा के पास भी, हम दे देते हैं वो पैसे जो तूने भरे हुए हैं, पर वो बिल्कुल पैसे लेने से मना कर गया, बोला मैं तो इसमें से पैसा मुनाफा कमाऊंगा। तो ये लोग तो इतने आज गिद्ध नजर है, ये पैसे बनाने की मशीनें हैं, इनकी कोई संवेदना नहीं, कोई इनकी भावना नहीं। तो पर ये है, यहाँ पर ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ना ये जमीन जाने देंगे। चलो